हाय एवरीवन, दिस इज मी हबीबा शबीर। आज हम पढ़ेंगे इनकैप्सुलेशन। इनकैप्सुलेशन क्या होता है? एक प्रॉपर्टी है विच इंश्योर्स बाइंडिंग ऑफ मेथड एंड वेरिएबल्स टुगेदर इनटू सिंगल यूनिट। इनकैप्सुलेशन एक प्रॉपर्टी है विच इंश्योर जो मेथड्स और वेरिएबल है या फिर जो फंक्शंस और डाटा है वो साथ में बाउंड होके एक सिंगल यूनिट में विच इज कॉल्ड क्लास। हाउ इट एक्सेसिबल? इट इज ओनली एक्सेसिबल फ्रॉम क्लास मेथड। जो इस पर्टिकुलर क्लास में मेथड या फंक्शन डिफाइन है सिर्फ वही इस क्लास के डाटा को एक्सेस कर सकते हैं। दिस इज इनकैप्सुलेशन इन ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड लैंग्वेज। आल्सो रीड टू डाटा एब्स्ट्रैक्शन एंड हाइडिंग। डाटा एब्स्ट्रैक्शन की वजह से क्लास को एब्स्ट्रैक्ट डाटा टाइप भी कहते हैं। हम इसकी एग्जाम्पल देखते हैं। अब कोई भी कंपनी है, इसमें कुछ डिविजन्स होती हैं। फॉर एग्जांपल एडमिन डिवीजन, टेक्नोलॉजी डिवीजन, मार्केटिंग डिवीजन एंड सो ऑन। अगर मुझे एडमिन डिवीजन का कोई टेक्नोलॉजी डिवीजन का डाटा एक्सेस करना है टेक्नोलॉजी डिवीजन से, तो इसे डायरेक्ट एक्सेस नहीं करेगा। दे विल हैव टू कम टू मी एंड समवन वर्किंग इन टेक्नोलॉजी डिवीजन एंड आस्क अस फॉर द डाटा। फिर हम टेक्नोलॉजी डिवीजन में डाटा को डायरेक्टली एक्सेस करके एडमिन डिवीजन को दे देंगे। सिमिलरली हमें कोई डाटा चाहिए जो कि एडमिन डिवीजन में है, तो हम उसे डायरेक्ट एक्सेस नहीं कर पाएंगे, बल्कि एडमिन डिवीजन में जो काम कर रहे हैं इनके थ्रू एक्सेस करना पड़ेगा। सिमिलरली ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग में इनकैप्सुलेशन इंश्योर एक क्लास का जो डाटा है एक पर्टिकुलर क्लास इसके डाटा, फंक्शंस और मेथड्स को एक्सेस करेगी। अब हम इसका एक और देखते हैं, इनकैप्सुलेशन की इम्प्लीमेंटेशन देखते हैं। हम सबसे पहले हेडर फाइल लिखेंगे। हैश इंक्लूड आयोस्ट्रीम यूजिंग नेमस्पेस STD। उसके बाद हम एक क्लास बनाते हैं ABC की, ब्रैकेट ओपन एंड क्लोज, और प्राइवेट में हमारे पास डाटा है X है। ये क्या है? एक्सेस स्पेसिफायर है, इंडेक्स। उसके बाद क्या आएगा? सेमीकोलन। अब हम एक फंक्शन डिफाइन करती हूँ void set का, public void set int n। और इसमें कुछ वैल्यू पास की है मैंने, एक फंक्शंस को डिफाइन किया है, इसमें कुछ वैल्यू पास करी। ये जो है एक्स की वैल्यू सेट कर देगा, एन इज इक्वल टू एक्स कर देगा। एक्स इज इक्वल टू एन। उसके बाद मैं एक और फंक्शन जनरेट करती हूँ, इंट गेट, जो क्या करेगा? एक्स की वैल्यू को रिटर्न कर देगा, रिटर्न एक्स। उसके बाद ब्रैकेट क्लोज, इसके बाद हम अपना मेन फंक्शन लिखते हैं, इंट मेन, ब्रैकेट ओपन एंड क्लोज, ABC। अब इधर मैं ABC का ऑब्जेक्ट बनाती हूँ, ABC ऑब्जेक्ट 1। सेमीकोलन। अब इधर मैं अगर OBG ऑब्जेक्ट डॉट एक्स जो है वो लिखती हूँ, तो एक्स की वैल्यू जो है एक्स की वो प्राइवेट है। इसकी वैल्यू को एक्सेस करने के लिए हमें गेट और सेट फंक्शन का यूज करना पड़ेगा। अब मैं इधर लिखती हूँ obj1.set। डॉट सेट और इसमें कोई वैल्यू पास कर दूंगी। फॉर एग्जाम्पल इसमें वैल्यू पास करती हूँ 4 और उसके बाद सी आउट ऑब्जेक्ट 1 गेट इसकी वैल्यू प्रिंट हो जाएगी। एंडल उसके बाद रिटर्न 0 अब हम इसको रन करते हैं। एक दफा आप चेक कर लेते हैं कोई एरर तो नहीं। ओके, अब हम इसको रन करते हैं। किसी भी नेम से सेव कर लेंगे। स्ट्रीम STREAM रिटर्न x। ये देखिए मेरे पास कौन सी वैल्यू आ गई है 4। अब ये कैसे आई है इसको देख लेते हैं। सबसे पहले हमने एक क्लास को जनरेट किया, ABC क्लास उसको जनरेट किया। उसके बाद उसके प्राइवेट डाटा मेंबर कौन से x है। अब इधर मैंने क्या किया, एक फंक्शंस को जनरेट किया और उसमें कोई आर्गूमेंट पास कर दिया उसकी वैल्यू। अब ये क्या करेगा, int n x इज इक्वल टू n x की वैल्यू को सेट कर देगा। उसके बाद मैंने एक दूसरा फंक्शन बनाया int get और ये क्या करेगा, x की वैल्यू को रिटर्न कर देगा। उसके बाद मैंने मेन फंक्शन बनाया। मेन फंक्शन में मैंने ABC ऑब्जेक्ट को क्रिएट किया और ab ऑब्जेक्ट डॉट x करूँगी तो x प्राइवेट है, x की वैल्यू x के इधर प्राइवेट है। अब इसकी वैल्यू को असेस करने के लिए मुझे गेट और सेट फंक्शंस का यूज़ करना पड़ेगा। फिर ऑब्जेक्ट डॉट सेट इसमें कोई वैल्यू पास करूँगी। इधर मैंने क्या किया, 4 वैल्यू पास की है। उसके बाद ये आउट कर दिया ऑब्जेक्ट डॉट गेट और आउटपुट में मुझे क्या शो हुआ है, 4 वैल्यू। तो ये इनकैप्सुलेशन का प्रोग्राम था। अब हम नेक्स्ट देखते हैं एब्स्ट्रैक्शन क्या होता है। एब्स्ट्रैक्शन इन is another properties of object-oriented programming language, enables us to display only essential information while hiding detail. For example, मैंने एक equation लिखी है power xy which represents x की power y. How this function actually working? हमें नहीं पता। हमें ये पता है कि बस value pass करनी है power xy function में. That will be returned as x की पावर y। ठीक है, ये इसेंशियल इंफॉर्मेशन को डिस्प्ले कर देगा और जो रॉ डाटा होगा उसको हाइड कर देगा एब्स्ट्रैक्शन। अब हम इसके बाद इनहेरिटेंस का को देखते हैं। वेरी इंपॉर्टेंट ये टॉपिक है ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग लैंग्वेज का। इनहेरिटेंस क्या होता है, अ क्लास इनहेरिट प्रॉपर्टीज ऑफ अनदर क्लास। फॉर एग्जाम्पल मेरे पास 2 क्लासेस हैं। आई वॉन्ट कि क्लास बी में क्लास ए की प्रॉपर्टीज आ जाएं। आई कैन डू थ्रू विथ इनहेरिटेंस। अब द क्लास फ्रॉम विच प्रॉपर्टीज आर इनहेरिट इज कॉल्ड पेरेंट क्लास। वो क्लास जिसकी प्रॉपर्टीज इनहेरिट हो रही है वो हमारे पास कौन सी क्लास है, पेरेंट क्लास, और उसको हम सुपर क्लास भी कहते हैं। द क्लास दैट इनहेरिट्स प्रॉपर्टीज इज कॉल्ड चाइल्ड क्लास और सब क्लास। जो क्लास प्रॉपर्टीज को इनहेरिट कर रही है उसको हम क्या कह रहे हैं, चाइल्ड क्लास या फिर सब क्लास। पेरेंट क्लास क्या करती थी, प्रॉपर्टीज इनहेरिट कर रही थी। विच प्रॉपर्टीज, द क्लास फ्रॉम विच प्रॉपर्टीज आर इनहेरिटेड। पेरेंट क्लास से चाइल्ड क्लास जो है वो प्रॉपर्टीज को इनहेरिट कर रहा है। फॉर एग्जाम्पल इधर क्या, ए इज द पेरेंट क्लास जो कि सुपर क्लास भी है और बी इज द चाइल्ड क्लास जिसको हम सब क्लास भी कहते हैं। अब हम इसकी एग्जांपल देखते हैं। फॉर एग्जांपल ये मेरे पास 3 क्लासेस हैं, क्लास कार, क्लास ट्रक एंड क्लास बाइक। अब मुझे 3 क्लासेस मैंने बनाई। अब इन क्लासेस में मैं डिफाइन करती हूँ प्रॉपर्टीज जो कि टायर्स एंड कैपेसिटी। अब ये टायर्स कैपेसिटी जो है वो तीनों क्लासेस में हो सकती है, क्लास कार में, ट्रक क्लास में और बाइक क्लास में। या तो मैं ये प्रॉपर्टीज तीनों क्लासेस में बार बार डिफाइन कर सकती हूँ, या फिर मैं एक पेरेंट क्लास जो कि व्हीकल क्लास बनाती हूँ और ये प्रॉपर्टीज टायर्स एंड कैपेसिटी, टायर्स एंड कैपेसिटी प्रॉपर्टी जो है आई कैन डिफाइन इट इन पेरेंट क्लास। इसके बाद I can inherit the properties of class vehicle in class car, in truck class and class scooter। जब मैं vehicle class में parent class में tires capacity को लिख दूंगी तो इनकी टायर कैपेसिटी की जो प्रॉपर्टीज है वो तीनों क्लासेस में क्या है इनहेरिट हो जाएंगी। इससे क्या होगा कि जो टायर्स कैपेसिटी है बार बार मुझे डिफाइन नहीं करना पड़ेगा क्योंकि ये मेरी पेरेंट क्लास की प्रॉपर्टीज है। जब मैं इनहेरिट करूंगी तो चाइल्ड क्लास में, तो वो प्रॉपर्टी जो है वो मेरे चाइल्ड क्लास में आ जाएगी। ठीक है, इसमें बेसिकली इनहेरिटेंस में हम रीयूजेबिलिटी का यूज करते हैं ताकि जो चाइल्ड में टायर्स कैपेसिटी है वो बार बार मुझे डिफाइन ना करना पड़े और वो पेरेंट क्लास से इनहेरिट हो जाए। ये एग्जाम्पल थी इनहेरिटेंस की। आई होप आपको समझ आ गई होगी कि इनहेरिटेंस क्या होता है। जैसे कि ये देखें, ये मेरे पास क्या है, एक व्हीकल पेरेंट क्लास है और बाकी ये जो आपको नजर आ रहा है ट्रक, स्कूटर्स और ये कैपेसिटी, ये सब क्या है, ये प्रॉपर्टीज हैं इसकी। ये क्या है, चाइल्ड क्लास, ट्रक, स्कूटर्स और ये चाइल्ड क्लास है। अब इनकी प्रॉपर्टीज जो मैं डिफाइन करती हूँ वो है टायर्स कैपेसिटी। टायर्स कैपेसिटी मैं चाइल्ड क्लास में बार बार डिफाइन करने से बेहतर है, मैं अगर पेरेंट क्लास में टायर्स कैपेसिटी की प्रॉपर्टीज को लिख देती हूँ तो वो चाइल्ड क्लास जो है वो पेरेंट क्लास से अपने प्रॉपर्टीज को इनहेरिट कर लेगा। हम इसमें रीयूजेबिलिटी का यूज करते हैं। अब इसके बाद असेस स्पेसिफायर्स एंड मोड ऑफ इनहेरिटेंस है। असेस स्पेसिफायर्स एंड मोड ऑफ इनहेरिटेंस में हमारे पास रहता है पब्लिक, प्राइवेट एंड प्रोटेक्टिव। पब्लिक क्या होता है? अच्छा, असेस स्पेसिफायर्स में ये होता है कि इनहेरिट कैसे करनी है एक बेस क्लास अपने पेरेंट क्लास की प्रॉपर्टीज को। दे कैन बी पब्लिक, प्राइवेट और प्रोटेक्टेड के थ्रू वो अपनी बेस क्लास प्रॉपर्टी जो है वो पेरेंट क्लास, बेस क्लास पेरेंट क्लास की प्रॉपर्टीज को इनहेरिट कर सकता है। सबसे पहले हमारे पास आते हैं पब्लिक। अगर डाटा और फंक्शन पब्लिक है तो ये असेस कर सकते हैं हम किसी भी कोड में। दे कैन बी असेस्ड फ्रॉम एनीवेयर इन द कोड। अगर डाटा और फंक्शन जो पब्लिक है तो उसको हम असेस कर सकते हैं कोड के किसी भी पार्ट से। ठीक है, फॉर एग्जांपल मैं एक क्लास बनाती हूँ, क्लास ABC। उसके बाद मैं उसमें पब्लिक कीवर्ड का यूज करती हूँ, पब्लिक। जब भी हम क्लास क्रिएट करते हैं तो यहाँ पे मैं एक कीवर्ड यूज करती हूँ। लास्ट प्रोग्राम भी आपने देखा है, अभी एनकैप्सुलेशन में मैंने कीवर्ड का यूज किया था पब्लिक। ये कीवर्ड बताता है जो भी इसके बाद डेटा मेंबर बनाएंगे या मेथड डिफाइन करेंगे वो बाकी रेस्ट ऑफ द कोड में एक्सेसिबल होंगे कि नहीं, डेट विल बी डिसाइडेड बाय दिस कीवर्ड। ओके, उसके बाद हमारे पास आता है प्राइवेट। मेंबर्स डिक्लेयर्ड एज प्राइवेट आर ओनली एक्सेसिबल विद इन द क्लास इटसेल्फ। अगर क्लास क्रिएट करते हुए प्रोटेक्टेड कीवर्ड का यूज करते हैं, फॉर एग्जाम्पल ये हम कौन सा कर रहे हैं, प्रोटेक्टेड। ये members declared as protected are accessible within the class and by derived class itself। For example, अगर हम class create करते वक्त, मैं class को create करती हूँ जो कि क्या है ABC और curly brackets, उसके बाद protected keyword का use करती हूँ, protected int x। अगर क्लास क्रिएट करते हुए प्रोटेक्टेड कीवर्ड का यूज करें तो जो डाटा है वो एक्स है, तो इस केस में जो भी मेरा डाटा और फंक्शन प्रोटेक्टेड कीवर्ड में है दे विल बी एक्सेसिबल इन ऑन क्लास, पेरेंट क्लास एंड ड्राइव्ड क्लास। अब थर्ड पॉइंट हमारे पास है प्राइवेट members declared as private are only accessible within the class itself। अब हम प्राइवेट का करें, प्राइवेट में क्या पढ़ा है कि members declared as private are only accessible within the class itself। ये accessible only in on class, सिर्फ इस class function इसे यूज कर सकते हैं डाटा को, इसके फंक्शंस को, ठीक है। बाय डिफॉल्ट अगर प्राइवेट हो डाटा मेंबर तो वो एक्सेसिबल ओनली अपनी ही क्लास में, प्राइवेट जो डाटा मेंबर है, प्राइवेट डाटा मेंबर वो अपनी ही क्लास में उसको एक्सेस कर सकते हैं, ठीक है। अब हम देखते हैं व्हाट आर डिफरेंट मोड ऑफ इनहेरिटेंस, इसे कोड में देखते हैं इन डिटेल। सबसे पहले हम हेडर फाइल लिखेंगे, हैश इंक्लूड आयोस्ट्रीम यूजिंग नेमस्पेस एसटीडी। अब इधर एक पेरेंट की क्लास डिफाइन करती हूँ, क्लास पेरेंट, और पब्लिक एक्सेस स्पेसिफायर में क्या है, इंट एक्स। ये क्या है, डाटा पब्लिक मेंबर। उसके बाद प्रोटेक्टेड कीवर्ड का यूज करते हैं, इंट वाई। ये क्या है, प्रोटेक्टेड मेंबर। उसके बाद प्राइवेट कीवर्ड का यूज करेंगे और इंट जी, इसमें जो डाटा मेंबर है इंट सी है। इसके बाद सेमीकोलन आ जाएगा और फिर हम प्राइवेट मेंबर का यूज करेंगे। और ब्रैकेट क्लोज, इसके बाद सेमीकोलन लिखेंगे, फिर हम मेन फंक्शन लिखेंगे। सबसे पहले मैं एक पेरेंट का ऑब्जेक्ट क्रिएट करती हूँ, पेरेंट पी सेमीकोलन। अब मैं पी डॉट एक्स करके, पी डॉट एक्स इज इक्वल टू 11। अब इधर क्या है कि पेरेंट पी, अब पेरेंट ऑब्जेक्ट बनाया मैंने और पी डॉट एक्स करके मैं एक्स के डाटा को एक्सेस कर सकती हूँ। ये क्या है, पब्लिक मेंबर एक्सेसिबल। उसके बाद अगर मैं लिखती हूँ पी डॉट वाई इज इक्वल टू 20 और इसके बाद सेमीकोलन, तो ये क्या है, ये प्रोटेक्टेड मेंबर है, नॉट एक्सेसिबल आउटसाइड द क्लास। हमने पीछे अभी क्या पढ़ा था स्पेसिफाइड मोड में कि प्रोटेक्टेड मेंबर जो है वो ओनली एक्सेसिबल, प्रोटेक्टेड मेंबर जो है वो क्लास को क्रिएट करते वक्त हम एक्सेस कर सकते हैं उसको अपने ही क्लास में, अपनी क्लास में या पेरेंट क्लास में या ड्राइव क्लास में उसको एक्सेस कर सकते हैं, हम आउटसाइड द क्लास उसको एक्सेस नहीं कर सकते। हम इसको कमेंट कर देते हैं नॉट एक्सेसिबल और इधर लिख भी देते हैं प्रोटेक्टेड मेंबर, not accessible outside the class. उसके बाद पी डॉट सी, ये क्या आ जाएगा, पी डॉट सी इज इक्वल टू 30. ये क्या है हमारे पास, प्राइवेट डाटा मेंबर. तो प्राइवेट में हमने क्या पढ़ा था कि ओनली एक्सेसिबल इन ऑन क्लास, और ये भी आउटसाइड दी क्लास जो है वो एक्सेसिबल नहीं होगा. तो हम इधर लिख देते हैं ओनली एक्सेसिबल प्राइवेट मेंबर. Not accessible outside the class. और इसको कमेंट कर देते. इसके बाद रिटर्न 0 और सेमीकोलन. अब हम इसको देखते हैं कि इसमें हमने पब्लिक में एक्स के डाटा मेंबर को लिया, प्रोटेक्टेड में वाई डाटा मेंबर के लिए, और प्राइवेट में जी डाटा मेंबर को लिए. ये जो एक्स वाई और जी है, इनमें से देखें तो जो एक्स है इसको हम मेन फंक्शंस में मैं यूज़ कर सकती हूँ, क्योंकि एक्स की वैल्यू क्या है, एक्स पब्लिक डाटा मेंबर है. तो एक्स को मेन वैल्यू में यूज़ कर सकती हूँ पेरेंट ऑब्जेक्ट बना के, और पी डॉट एक्स करके मैं डाटा की, मैं इसके डाटा को एक्सेस कर सकती हूँ. अगर मैं वाई जी की बात करूँ तो वाई जो है वो प्रोटेक्टेड डाटा मेंबर, इसको मैं इसी क्लास में या ड्राइव क्लास में एक्सेस कर सकती हूँ. मैं इसको मेन फंक्शन में पी डॉट वाई करके यूज कर सकती हूँ. इस तरह जी जो है वो प्रोटेक्टेड डाटा मेंबर है, तो भी इसे भी मैं क्लास में एक्सेसिबल कर सकती हूँ. मैं अब उसी की क्लास में, प्रोटेक्टेड क्या है, प्राइवेट डाटा मेंबर है, प्राइवेट को मैं अपनी ही क्लास में असेस कर सकती हूँ. अगर मैं इसको पेरेंट क्लास, इसके प्रॉपर्टीज से अगर इनहेरिट कर दूँ, यहाँ पे मैं क्या करती हूँ, पेरेंट क्लास की चाइल्ड क्लास बनाती हूँ और उसको इनहेरिट करती हूँ पेरेंट क्लास की प्रॉपर्टी से. क्लास अब मैं एक चाइल्ड क्लास क्रिएट करती हूँ, क्लास चाइल्ड, और एसेस स्पेसिफायर का यूज करेंगे, और पब्लिक पेरेंट 1. अब इधर क्या मैंने किया है कि एक चाइल्ड क्लास बनाई और उसकी प्रॉपर्टी जो है वो इनहेरिट कर दी पेरेंट क्लास से. ठीक है, यहाँ पे पब्लिक कीवर्ड लगाने से क्या हुआ कि पेरेंट क्लास की जो प्रॉपर्टीज हैं वो इनहेरिट हो रही हैं चाइल्ड क्लास में. अब हम देखते हैं कि इधर एक्स क्या है, एक्स विल बी पब्लिक और y will remain protected. और z जो है, z will not be accessible. उसको क्लोज कर लेंगे. इधर मैंने क्या किया, एक चाइल्ड क्लास, दूसरी क्लास बनाई जो कि चाइल्ड क्लास है, और इसमें पब्लिक कीवर्ड को यूज करते हुए पेरेंट क्लास की प्रॉपर्टीज को ये इनहेरिट कर रहा है. और इधर क्या है कि एक्स जो है, एक्स की वैल्यू पब्लिक है क्योंकि ये पब्लिकली इनहेरिट कर रहा है. एक्स जो है डाटा मेंबर, ऊपर जो हमने डिफाइन किया वो पब्लिक में डाटा मेंबर है, तो उसको असेस करेगा पेरेंट क्लास, चाइल्ड क्लास. और उसके बाद वाई विल रिमेन प्रोटेक्टेड, वाई बस अपनी क्लास में. वाई क्या है, वाई प्रोटेक्टेड कीवर्ड है, प्रोटेक्टेड में हमने डिफाइन किया था, वो बस अपनी क्लास या ड्राइव क्लास में एक्सेस कर सकते हैं उसको. और जी विल नॉट बी एक्सेसिबल, जी क्या है, इसको बस अपनी क्लास में हम एक्सेस कर सकते हैं. अब इसके बाद मैं एक और चाइल्ड क्लास बनाती हूँ, क्लास child too. प्राइवेट कीवर्ड का यूज करेंगे, प्राइवेट पेरेंट, इसमें क्या होगा कि एक्स जो है वो प्राइवेट हो जाएगा, एक्स विल बी प्राइवेट, और वाई विल बी प्राइवेट, और z will be inaccessible. अब जब हमने दूसरी चाइल्ड क्लास बनाई तो उसको प्राइवेट कीवर्ड को यूज करते हुए पेरेंट्स क्लास की प्रॉपर्टीज को इनहेरिट कर रहा है, तो इसमें क्या है कि x जो है वो तो पब्लिक इनहेरिट हो रहा था, x इधर प्राइवेट हो जाएगा और y भी प्राइवेट और जी जो है वो इनएसेसिबल हो जाएगा. इसी तरह हम क्लास 3 बनाते हैं, क्लास चाइल्ड 3, प्रोटेक्टेड कीवर्ड का यूज करते हुए प्रोटेक्टेड पेरेंट, इधर एक्स विल बी प्रोटेक्टेड y will be protected, similarly z will be inaccessible. जब हमने थर्ड क्लास बनाई प्रोटेक्टेड कीवर्ड को यूज करते हुए, तो इधर क्या है, एक्स भी प्रोटेक्टेड होगा, वाई भी प्रोटेक्टेड होगा और जी विल बी इनएसेसिबल. दीज आर द डिफरेंट इनहेरिट मोड, दीज आर आल्सो डिफरेंट, ये दीज आर डिफरेंट इनहेरिट मोड एंड दीज आर आल्सो डिफरेंट एसेस स्पेसिफायर. ये सब क्या है, प्राइवेट, प्रोटेक्टेड एंड पब्लिक, ये क्या है, एसेस स्पेसिफायर. और एसेस स्पेसिफायर्स के साथ हमने इनहेरिट मोड का यूज करते हुए दूसरी क्लास की जो प्रॉपर्टीज हैं वो एसेस स्पेसिफायर्स को यूज करते हुए पेरेंट क्लास की प्रॉपर्टीज को इनहेरिट कर रहे हैं जो कि चाइल्ड क्लास है. ये जो डाटा है एक्स वाई जी, ये कहाँ कहाँ एसेसिबल है, यहाँ एक्स वाई जी, ये जो डाटा है एक्स वाई जी, ये कहाँ कहाँ एसेसिबल है, यहाँ पे हम लोगों ने प्राइवेट, पब्लिक या प्रोटेक्टेड कीवर्ड का यूज किया है. दीज आर इनहेरिटेंस मोड. आई होप आपको समझ आ गई होगी कि पब्लिक, प्राइवेट, प्रोटेक्टेड, एसेस स्पेसिफायर्स को कैसे यूज कर सकते हैं विद इनहेरिट मोड, और कैसे चाइल्ड क्लास की प्रॉपर्टी जो है वो पेरेंट क्लास की प्रोटेक्टेड को यूज कर सकते हैं बाय यूजिंग एसेस स्पेसिफायर.